4 S-300 तबाह हुए हैं। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला किया गया था ईरान पर और इसमें ईरान का जो सुरक्षा कवच है उसे तबाह किया गया। 4 S-300 डिफेंस सिस्टम की बैटरी जो है तबाह की गई। इस्लाम शहर एरिया में डिफेंस साइट को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा बिजार एयर डिफेंस साइट में तबाही हुई। खमैनी एयर डिफेंस पोजीशन को नुकसान हुआ। अबदान ऑयल कॉम्प्लेक्स डिफेंस साइट को भी इसमें नुकसान हुआ है। और इसराइल की तरफ से ये पिन पॉइंटेड अटैक था जिसमें निशाना जो है वो तमाम उन ठिकानों को बनाया गया था जहाँ से जो ईरान है वो उसके ऊपर हमले की प्लानिंग करता है, अपने हथियारों को रखता है। अरविंद सिंह सर, सवाल ये है कि जो अब परिस्थितियां नज़र आ रही है जहां इसराइल एक टू फ्रंट वॉर तो लड़ रहा है साफ तौर पर, लेकिन जहां हमने देखा कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इस्माइल हानिया या फिर याया सिनवार दोनों की मौत के बाद इसराइल जो है वो इस बात पर तैयार हो कि वो हमले कुछ दिन के लिए रोके ताकि एक नेगोशिएशन हो सके और जो बंधक हैं वो वापस आ सके, क्योंकि अमेरिका की सरकार पर भी बहुत भारी दबाव था इस बात को लेकर कि जो हमास के साथ जंग चल रही है उसको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन नेतन्याहू उसके लिए नहीं माने। अब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में जब युद्ध विराम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो इसमें अमेरिका का रोल आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए चंदन साहब, इसके पीछे गहरी नीति को समझना जरूरी होगा और अमेरिका अभी जिस नीति पर चल रहा है उसको पुचकारना और पीटने की नीति बोलते हैं। अंदर से वो चाहता है कि पिटाई जारी रहे, पर बीच बीच में पुचकारना इसलिए जरूरी है ताकि जो भीड़ है जो पीटने वाले को देख रही है वो ये कहे कि ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर यह इस पूरे युद्ध भूमि को अमेरिका अगर छोड़ दें तो इस युद्ध को लगभग 1 महीना चलाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसराइल के अंदर अगर वहां के थिंक टैंक्स या एक कुछ इसराइल के एक यूनिवर्सिटी का सर्वे है कि अगर मान लो अमेरिका हमारे साथ नहीं होता है तो क्या युद्ध जारी रहना चाहिए या कि क्या आप इस युद्ध के पक्ष में हैं, तो वहां की लगभग 80% आवाम ने बोला है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हमें अंदाजा लग गया होगा कि क्या हो रहा है। पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज एड ऑन करने जा रहा हूँ वो है इसराइल की और अमेरिका की जनता जो कि बहुत ही शिक्षित मानी गई है और किसी भी एक सफल डेमोक्रेसी के लिए वहां की जनता का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। तो वहां के लोगों से अगर पूछे कि क्या आप लोग युद्ध चाहते हैं तो वो बिल्कुल मना कर देंगे कि ये जो सब हो रहा है वो वहां के जो खासकर कॉर्पोरेट्स हैं जो पूंजीपति है वो अपने फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी ये लड़ाई इसलिए अमेरिका की और इसराइल की आम आवाम है वो ये सब युद्ध को नहीं चाहती है, वो उसको काफी विनाशकारी मानती है। और इसीलिए जो अमेरिकन इलेक्शंस हुए थे उससे ठीक पहले एकदम ये युद्ध धीमा हो गया था क्योंकि अमेरिका के जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिल्कुल, और इसका असर अमेरिका के चुनाव पर जो है वो साफ तौर पर नजर भी आया। चुनाव प्रचार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे परिस्थितियों को लेकर जो बाइडेन कमला हैरिस पर कई बार निशाना भी साधा, लेकिन इन सबके बीच इजरायली हमलों से ईरान जो है वो सहम गया है और इसीलिए अब अपने रक्षा बजट को बड़ा करने का उसने ऐलान कर दिया है। सेना का बजट ईरान जो है वो बढ़ाएगा और ईरान अपने सैन्य बजट में 200% तक का इजाफा जो है वो कर सकता है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो लगातार हमले जारी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमास पर हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि बड़ी जंग की तैयारी में अब ईरान नजर आ रहा है। ईरान अपने सैन्य बजट को 200% तक बढ़ाएगा। इजरायली हमले के बाद सैन्य बजट बढ़ाने पर जोर है। ईरान का मौजूदा रक्षा बजट $17 बिलियन का है और साथ ही साथ डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब ज़्यादा खर्च किया जाएगा क्योंकि इजराइल ने जैसा हमला बोला ऐसे में इजराइल को बड़ा नुकसान जो है वो ईरान की तरफ से पहुंचाने की जहां एक तरफ कोशिश की जा रही थी तो वहीं इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया ईरान पर उसमें तमाम महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं उन सभी को नुकसान पहुँचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर आपका और माथुर सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। फिलहाल के लिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया।